भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भजनलाल सरकार की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाने का स्वागत किया है। कल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून को पास किया है और ये जल्दी राजस्थान की विधानसभा में आएगा, उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, खासतौर पर ट्राइबल एरिया में, जिस तरीके से हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का एक अभियान चला रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, उसके खिलाफ एक सख्त कानून राजस्थान की सरकार ने बनाने की तैयारी की है और उसमें ऐसे कठोर प्रावधान किए हैं जो इस कानून के तहत ऐसे कृत्यों को रोकने का काम करेगा। राजस्थान में जो कानून बना है इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है और अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत मिलेगा। एससी एसटी ओबीसी और नाबालिग को अगर आपने धर्म परिवर्तन करवाया जबरन तो आपको 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत है और अगर आपने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की तो भी 10 वर्ष तक की सजा का कानून इस का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। ये जो धर्मांतरण की घटनाएं बार बार सामने आ रही थी उसके कारण राजस्थान की सरकार ने इस तरह का कठोर कानून राजस्थान में बनाया है जो जल्द ही राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर रखा जाएगा और उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। अगर कोई व्यक्ति मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 7 दिन पहले कलेक्टर को लिख कर देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो इस तरह का धर्म परिवर्तन कर सकेगा। इस कानून में इसका प्रावधान किया गया है।